हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ अपने जो मैंने लीफ कंपोस्ट कुछ दिन पहले बनाई थी, मैं उसी की अपडेट देने वाली हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ जो लीफ कंपोस्ट मैंने आज से 3 महीने या 4 महीने हो रहे होंगे बनाई थी। तो कुछ तो मैंने ये देखिए बोरियों में बनाई थी, ये देखिए इस तरह से ये बोरी भी फट गई है क्योंकि ये थर्ड फ्लोर पे रखी रहती है बिल्कुल धूप में, और ये बिल्कुल फट चुकी है बोरी अब। और बोरी अभी अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये 50% 60% ये बन चुकी है और काफ़ी अच्छी। तो मैं आपको इसको पलट कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से तैयार हुई है। इसमें मैंने जो मेरे विंटर के सारे प्लांट थे वही वाले सब ऐड किए थे। और ये देखिए विंटर के प्लांट्स थे, और जो हमारे यहाँ गन्ने के छिलके वगैरह बहुत सारे इकट्ठे हुए थे उन सबको मैंने इसी में भर के डाल दिया था। और देखिए इसमें छोटे छोटे से माइक्रोब्स भी हैं जो यही फर्टिलाइज़र को तैयार करते हैं। और ये देखिए ये लगभग डिकम्पोज हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसको मैं अभी 2-3 महीने और रखूँगी ताकि और अच्छे से कम्प्लीट हो जाए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है। तो इसके बड़े पार्टिकल जो हैं वो अभी पूरे डिकम्पोज नहीं हुए हैं, तो मुझे इसको थोड़े दिन और अभी रखना पड़ेगा ताकि ये सारे गल जाएं। और नहीं तो इसको हम चाहे तो छान करके इसको गमले के नीचे भी डाल सकते हैं, तो गमले को जो ड्रेनेज है उसको कवर करने के भी काम आ जाएगा और नीचे धीरे धीरे गलता भी रहेगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल बहुत ही लाइट वेट है। इसको एक आध दिन छाया में सुखा करके हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कम्प्लीट हुआ है। दूसरा जो था ये इस पॉलीबैग में मैंने बनाया था, और इसमें लगभग ज़्यादातर पत्तियाँ थी। इसमें ब्रांच मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, पत्तियाँ ज़्यादा डाली थी। ये देखिए तो ये थोड़ा बारीक हो गया है, ये और अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है, पर फिर भी अभी भी थोड़ा सा ज़रूरत, क्योंकि जो हमारी लीफ की कंपोस्ट होती है कम से कम साल भर पुरानी होनी चाहिए अच्छे से, यानी प्लांट में यूज करने के लिए। तो ये वैसे तो डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी इसको 1-2 महीने 2-4 महीने और रखूँगी मैं। और यूज़ करने को हम कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी हमको थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप एक प्लांट में सिर्फ एक मुट्ठी ही डालिए, इससे ज़्यादा मत यूज करिए। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डिकम्पोज हुई है। ये देखिए ये कुछ दिन अभी और रखूँगी तो जो इसके बड़े बड़े पार्ट हैं ये भी सारे डिकम्पोज हो जाएंगे, और बहुत अच्छा हमारे जो फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ निकाल के रखा भी था, ये बिल्कुल बारीक पार्ट है, और इसको मैंने अपने कुछ अडेनियम के प्लांट में मिलाया था, ये देखिए, और इसमें कुछ ग्रेवर्स भी मिले हुए हैं। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, तो काफ़ी अच्छा काम करता है हमारे गार्डन में। मैं तो सबसे ज़्यादा मेरे गार्डन आप जो देख सकते हैं देख रहे हैं सबसे ज़्यादा यही कंपोस्ट, जो जैसे ही जो भी प्लांट ख़त्म होते हैं तो उनकी कंपोस्ट मैं अलग बनाती हूँ, किचन वेस्ट कंपोस्ट मैं अलग बनाती हूँ। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार रहती है हर समय, तो मैं उसका यूज़ करती रहती हूँ। जब भी प्लांट नया कोई लगाती हूँ तो उसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट मेरी लगभग 30-40% मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट ही होती है। तो यही सब मैं अपने गार्डन में बनाती रहती हूँ और इसी का यूज़ करती हूँ, जो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देता है। तो आज का टॉपिक यही था। कई लोगों ने पूछा भी था आप अपने लीफ कंपोस्ट का अपडेट दिखाइए, तो ये यही है, ये अच्छे से और डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए कुछ पार्ट जैसे ये बचे हुए हैं, ये बड़े बड़े पार्ट जो बचे हुए हैं, तो आप इसको चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। मैं तो अब नहीं करूँगी, मैंने काफ़ी पहले भी छान छान कर मैं डालती थी, लेकिन अब मैं नहीं डालती क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, और इसको अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे अभी समर के जो प्लांट मैंने लगाने थे वो लगा लिए हैं, और जो विंटर का है तो विंटर के लिए भी टाइम है, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे सारे। इनको मैं फिर से बोरियों में भर के रख दूँगी, और आप चाहे तो बोरियों में बना सकते हैं, इस तरह के पॉलीथीन में बना सकते हैं, पॉली बैग में, या तो किसी कंटेनर में भी आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये बन जाती है। तो इसी तरह से हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट भी बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो जो हम लीफ कंपोस्ट बनाते हैं अपने जितने भी गार्डन का वेस्ट मटेरियल होता है सब उसमें डाल देते हैं, और किचन वेस्ट अगर आप बनाते हैं किचन वेस्ट से कंपोस्ट, तो उसको आप एक दिन सुखा करके डालिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो वो थोड़ा एकदम वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और उसमें से बदबू भी आने लगती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपने किचन वेस्ट को एक दिन सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने कंटेनर या पॉली बैग या फिर बोरियों में किसी में भी भर देती हूँ। मैं ये जो आटे चावल की बोरियाँ होती लगभग ज़्यादातर इन्हीं में बनाती रहती हूँ। मैंने 2 मटके भी रखे हैं ऊपर में, ये देखिए मेरे
जो मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट है उसी का नतीजा है जो मेरे गार्डन में इतने सारे फूल खिलते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर से फूल आते हैं। तो मैं चलिए आपको थोड़ी सी किचन वेस्ट कंपोस्ट भी दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए हिबिस्कस में कितने सारे फूल आए रहते हैं। इस बार तो मुझे वर्मी कंपोस्ट मिल नहीं पाया, लॉकडाउन की वजह से मैं नर्सरी भी नहीं जा पाई थी, तो मैंने सारे प्लांट पे अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट ही दिया। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट जो मैं बनाती हूँ उसमें मिट्टी भी ऐड करती हूँ। तो ये देखिए मिट्टी ऐड करने की वजह से ये देखिए ये मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट इस तरह से रेडी हुई है। और मैं इसके किसी भी प्लांट को डायरेक्ट भी लगा सकती हूँ या फिर इसको मिला सकती हूँ किसी में भी। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से डीकम्पोज हो चुकी है। अब इनको हमको थोड़ा सा बारिश बचाने के लिए, मैंने इसको सुखाया भी नहीं है, बोरी में रखे रखे इसका मॉइस्चर धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। यहाँ पर भी है लेकिन ये टब में रखा हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसे पूरा पानी भर गया था तो मुझे इसको फिर छान कर निकालना पड़ा। और इसका पानी जो था वो मैंने अपने प्लांट में दे दिया है, लिक्विड फर्टिलाइजर जो इसका बनकर निकला था, और इसको मैंने थोड़ा सा धूप में डाल दिया क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया था और बिल्कुल ही पानी से भर गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सूखने के लिए डाल दिया है। ये देखिए और यहाँ पर मैं अपनी कंपोस्ट बनाती हूँ ये इन मटकों में। तो ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से ये बिल्कुल ये देखिए इस तरह से सूख गए हैं। इनमें थोड़ा सा मुझे पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। वैसे ये देखिए इस तरह से ये हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट है जो तैयार तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से सूख गया है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे मैंने ताज़ा मटेरियल भी डाला हुआ है, इसको मिट्टी से कवर कर दिया है पूरा इस तरह से। तो आप इस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं ये देखिए। और थोड़ा सा आप सुखा कर डालिए तो मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है और कीड़े मकोड़े भी उसमें नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए और लीफ कंपोस्ट मेरी अभी रेडी हो रही है, जो और बाद में के प्लांट मेरे इकट्ठे हुए थे उन सबको मैंने इस पर डाल दिया है ये देखिए। और ये भी लगभग रेडी हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए आपको दिखा नहीं पा रही ठीक से कैमरा मेरा, एक तो धूप भी बहुत इसमें भी हो रहा है और इस पॉली बैग में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सूखे हुए डाले हैं सारे। ये देखिए ये डिकम्पोजिशन हो रही है अभी देखिए इस तरह से। इन्हें पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहना बीच बीच में ताकि अच्छे से डिकम्पोज होते रहें। इनको मैं बस इस तरह से कवर करके रख देती हूँ सबको। और यहाँ पे देखिए मेरे चंपा में कितने सुंदर फूल आए हुए हैं। तो बस आज का यही टॉपिक था। आप लोगों ने कई लोगों ने पूछा था कि मैं अपडेट दिखाऊँ आपको किस तरह से मेरी कंपोस्ट रेडी हो रही है, तो बस यही दिखा दिया मैंने इसको। मैं इसको वापस से अभी फिर भर दूँगी तो चाहिए तो अभी हम प्लांट में इसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं इसलिए मैं वापस इसको भर दूंगी। और जब भी आप प्लांट में यूज़ करें तो एक दो दिन उसको छाया में धूप में नहीं सुखाना है, नहीं इसके जो अच्छे बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं वो भी धूप से ख़त्म हो जाते हैं, तो जो प्लांट के लिए हेल्दी होते हैं। और छाया में आप एक दो दिन सुखा लीजिए उसके बाद आप यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।